नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू डीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं लखनऊ घूमने। तो वहाँ पे हम जो है कि बहुत ढेर सारा मस्ती करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। हम जो है कि दो चार दिन वहाँ पे रुकने वाले हैं और ब्लॉग वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं आके, और चल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो आप लोग भी चलिए, आज हम आप लोगों को अपने ब्लॉग में लखनऊ का सैर कराएंगे। ट्रेन चल दी है और मैं लखनऊ कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। मैं लखनऊ जा रही हूँ बुआ जी के यहाँ। अब कौन सी बुआ जी के यहाँ थे तो आप लोगों को वीडियो देखने के पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, और उनके लिए जो है कि सरप्राइज है दोस्तों। और दोस्तों जो है कि 2021 का आज जो है कि लास्ट दिन है, और हम लोग सोचे कि चले घूम ले और जो है कि इस बार नया साल कहीं और ही मनाते हैं। तो इस बार हम लोग नया साल जो है कि लखनऊ मनाएंगे, और वहाँ पे हम काफ़ी ढेर सारा वीडियो बनाएंगे, चिड़ियाघर और जो अम्बेडकर पार्क कहीं जो है कि जाएंगे घूमने, तो भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने सोचा कि जो है कि घूम के ही वीडियो बनाते हैं, इस समय ठंड में हम कुछ मस्ती भी हो जाएगी। प्रयाग जक्शनपुर, उधर देखो मेला लगा है, मंदिर वगैरह है क्या वहाँ पे? तो दोस्तों जो है कि हम लोग जब आ रहे थे, काफी रात हो चुकी थी, बुआ जी के रूम तक पहुंचते पहुंचते, तो जो है कि आने के बाद हम लोग खाना पीना खाए और सो गए। तो हमने सोचा अब सुबह वीडियो जो है कि इसे कंप्लीट कर देते हैं। और आप लोगों को आज है जो है कि फर्स्ट जनवरी 2022। तो आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बुआ जी के रूम पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये है तारुष। हाय बोलो तारुष। तो कब से बोल रहा है कि हम भी कैमरे में, मतलब वीडियो में आएंगे, तो हम कह आ जाओ बगल में बैठ जाओ तुम भी, और वीडियो में आ जाओ। और दोस्तों जो है कि आज हम लोग यहाँ पे जो है कि धमाल करने वाले हैं। धमाल होता है, धमाल होता है। दोस्तों जो है कि अभी हम आप लोगों से, बुआ जी से मिलवाएंगे आप लोगों को, और जो है कि बुआ जी के फैमिली से भी मिलवाएंगे, ब्लॉग बना है, और उनका घर भी दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा उनका जो है कि घर है। मैं तो आई, मुझे काफी अच्छा लगा जब उनका घर देखी। तो और जो है कि दोस्तों हम लोग काफ़ी जगह घूमने भी जाएंगे, वो भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारे कॉलेज में जो है कि फ्रेशर पार्टी था 31 तारीख को, तो हम वो भी वीडियो बनाए हुए हैं, हम अपलोड करेंगे, आप लोग वो जाके जरूर देखिएगा वीडियो, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा उस वीडियो को। लोगों को बुआ जी से मिलवाती हूँ। बुआ जी जल्दी आइए। तो बुआ जी जो है कि अपने किचन में लगी हुई हैं। कल से चिमटा लेके आए। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों को मेरे और ज्योति की तरफ से नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। तो ज्योति आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बुआ जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो है कि हम कॉलेज से जो है कि फ्रेशर पार्टी था, और हम वहाँ पे जो है कि गए, और जल्दी जल्दी वहाँ पे वीडियो बनाए और दिखाए कि कॉलेज में कि हम आए भी थे। और मुझसे बोल रहे थे मैं फैशन पार्टी में हूँ बुआ जी, अभी है पार्टी अटेंड कर रही हूँ। और पता है दोस्तों, मतलब ये फोन पे बात कर रही थी, इनके अगल बगल से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मतलब कोई गेस ही नहीं कर सकता। जब ये आई ना, तो मैंने कहा किस चीज से आई, तो बोली मैं ट्रेन से आई हूँ। और हमने कहा ट्रेन, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी की आवाज तो आ नहीं रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को बताऊं, ट्रेन में जो है कि एक बोगी में बस हम दो लोग थे, हम और गाजियाब कोई नहीं था, पूरी बोगी बुक करके आई है। कोरोना था इस बार ठंड चल रही है दोस्तों, तो आना, बहुत लोग जो है कि ठंड के मारे कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन हम तो आ गए हैं।
और बहुत ढेर सा कपड़ा पहन के आए थे ठंड का, और एकदम टेंशन फ्री होकर आई है कि मतलब कि मेरे अगल बगल कोई था ही नहीं, मैं किसी भीड़ से नहीं गुजरी हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ। तो ज्योति अब लखनऊ आई है, मैंने इनको जो है बहुत मतलब मैंने कहा था कि आप लखनऊ आइएगा, मैं आपको पूरा अपना लखनऊ घुमाऊंगी। और जो जो लखनऊ से है मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ से हैं। हाँ, अगर जो भी इनके जो है सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं जो लखनऊ से देखते हैं, इनको बताएं, उनको सजेस्ट करें कि लखनऊ अभी नया क्या चल रहा है, कहाँ घूमने वाला है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं भी ज्यादा दिनों से लखनऊ से मतलब लखनऊ में बाहर नहीं गई हूँ अभी घूमने टहलने कोरोना की वजह से। अब नए साल में मैंने ज्योति को इन्वाइट किया है तो घुमाना तो बनता है। तारुस का नाश्ता रेडी हो गया, ये देखिए क्या क्या लिए हो नाश्ते में तारुस। मलाई सैंडविच, तारुस खाते मलाई सैंडविच। खाने में क्या पसंद है तारुस? दाल चावल सब्जी रोटी, पूरा खाना खाता है हमारे तारुस। सबसे अच्छी बात है बेटे की खाने में नौटंकी। पकौड़ी किस चीज की पसंद है? पनीर, पनीर पकौड़ी। तो दोस्तों जो है कि बुआ जी ने हमें इनवाइट किया कि ज्योति आओ, हम लोग जो है कि नया साल इस बार यहाँ पे मनाते हैं एक साथ अच्छे से थोड़ा, और काफ़ी अच्छा भी लगेगा और घूम भी लेंगे हम, और हमारी छुट्टी भी चल रही है, 2 दिन की छुट्टी है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि ज्योति मुझे इतनी जल्दी सरप्राइज दे देंगे, और इनका आना मेरे लिए सच में एकदम सरप्राइज था। इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि मतलब ये मेरे घर आ रही है, बस बोले थे कि आएंगे और कोई कंफर्म नहीं था कि हम लोग आएंगे। एड्रेस वगैरह इन्होंने मुझसे ले लिया था कैसे आना है क्या करना है, इन्होंने जैसे मेरी सिस्टर्स वगैरह से बात करके पूछ लिया कि कैसे पहुंचना है क्या करना है। और रात में जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा आएंगी, हो सकता है कभी आए, लेकिन इतनी जल्दी आएंगी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने इतना कहा था कि हाँ ज्योति साथ में हम लोग जो है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, तो ज्योति ने कहा बिल्कुल बुआ जी, बट ज्योति आ गई है, हम आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हमारे और ज्योति के चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार हम लोग को देते रहिए। जियो जिंदगी विद पूनम चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी दोस्तों, काफी खुशी होगी मुझे जब बुआ जी का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने मुझे कम्युनिटी दिला दिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जल्दी ही आप मुझे जो है सही बात मतलब 1000 के और आगे बुलंदियों को पहुंचा दीजिए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। अरे दोस्तों जो है कि बुआ जी का सोफा काफी अच्छा लगा, इसमें बैठने में काफी आरामदायक है, और इस सोफा देख इसी में हमेशा बैठ के वीडियो बनाती है, हम के चले आज हम भी बैठ के बनाए वीडियो। क्योंकि ज्योति पता है घर के सब एंगल में बदल के बैठ के देख चुकी हैं, लेकिन उनको ना सबसे ज्यादा कम्फर्ट इसी सोफे पे आता है। आज ये समझे कि मैं हमेशा सोफे में क्यों बैठ के बनाती हूँ। हर जगह थक जाती होंगी, लेकिन यहाँ सोफे पे बैठने के बाद कभी नहीं थकती होंगी। तो फिर हमने जो है कि दोस्तों बुआ जी का पूरा घर घूमा, बहुत ही प्यारा है, तो अलग से ब्लॉग बना के हम आप लोगों को दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बुआ जी का घर का जो वीडियो है देख के जरूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से जो है कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो है कि जियो जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भी नहीं साफ है देखिए। वीडियो में आने के लिए एक्साइटेड।